بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. आज बना रहे हैं हम सर्दियों की लजीज डिश, जिसका नाम है हरा भरा बेसन का पराठा, यम्मी वाला। एक बार आजमाइश, बार बार फरमाइश, कम वक्त में बेहतरीन जायका। अब चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ, ठीक है। अब हमने लिया है तकरीबन 1.5 पाव बेसन, और हम वजन लिया है हमने बेसन वो आटा, ठीक है। 1.5 पाव आटा है और 1.5 पाव ही बेसन है। और एक प्याज जो बारीक बारीक हमने काट ली, जो अंडे की तरह हम काटते हैं, और आधी गड्डी हरा धनिया लिया, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, नहीं साबुत धनिया को लेके आप उसको इमाम दस के अंदर कूट लें, कुटी हुई मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची और अनारदाना, और हद ज़रूरत नमक। अब हम लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, मिलाते हैं सबको ताकि हम इसका एक दो तैयार कर सकें। तो पहले लिया हमने आटा, उसके बाद लेंगे हम बेसन जो कि हमने वहाँ मसन लिया है, और अब हम इसमें सब चीज़ें मिलाते जाएंगे। सबसे पहले हम मिलाएंगे प्याज, ठीक है। प्याज मिलाई, फिर हमने इसमें डाला हरा धनिया, फिर इसमें हमने साबुत धनिया और हरी मिर्ची। अगर आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर बच्चे नहीं खाते तो आप ये क्या हरा धनिया वो हरी मिर्ची कम कर सकते हैं, ठीक है। और अनारदाना, ये भी बहुत थोड़ा सा ही जाएगा, 1/4 चम्मच या 1/2 चम्मच के बराबर। और ये है कुटी हुई मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद हम लेंगे सॉल्ट, ये होगा हमारा 2 टेस्ट जितना आप सॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बनाएंगे दो, इन सबको पहले सबसे पहले हम करेंगे मिक्स, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमने इसका मिक्स हमने सब सब चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, जितने भी लम्स थे वो निकाल दिए हैं। अब हम इसकी बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो तैयार करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा इसकी, इसको ज़्यादा हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। जिस तरह से हम आम नॉर्मली आटा यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये इसकी डो तैयार होगी। ये हमारी डो तैयार हो चुकी है अच्छी तरीके से गूंथ के, तो 10 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर उसके बाद एक दफ़ा इसको दोबारा से हम इसको मक्खियाँ लगाएंगे, और फिर दोबारा फिर उसके बाद हम पराठा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने 10 मिनट के लिए आटा छोड़ा था, इसकी डो तैयार हो चुकी है। ये हमने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी जैसे आम नॉर्मली हम रोटी बेलते हैं, इसी तरह से हम अब इसकी रोटी बेलेंगे और फिर हम पराठे स्टार्ट करेंगे। अब हम ये बेल रहे हैं, आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे, नहीं तो ये बेसन का जो पराठा होता है ना तो ये चिपकना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो हमने सामान डाला ना, प्याज हरा धनिया, ये इसकी वजह से ना इसमें होल होना शुरू हो जाते हैं, सुराख हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ना ज़्यादा बड़ा बेलेंगे और उसको बिल्कुल स्लो हाथ से इसको बेलना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बेल के तैयार हो चुका है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा क्योंकि इसके अंदर प्याज सब डली हुई है, तो ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बनेगा। इसलिए अब हम इसको उठाएंगे और ये डाला हमने तवे पर, और अच्छा हम तवा थोड़ा सा गर्म कर चुके हैं, ज़्यादा तेज़ तवा नहीं करेंगे ताकि ये जले नहीं। अब हल्का सा हमने तवा गर्म किया था और ये देखिए इसको बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे कि नीचे से सिक गई है, हमने इसको पलटा भी, और पलटने में थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। चाहें तो आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ करेंगे तो क्या ही बात है, लेकिन वो थोड़ा हेवी हो जाता है इसलिए हम देसी घी यूज़ नहीं कर रहे। अगर मक्खन चाहे तो मक्खन भी यूज़ हो सकता है, और लेकिन मैंने इस तरह यूज़ किया है ऑयल, क्योंकि हम खाते हैं ऑयल। आप ये देखिएगा क्लैम्प है ना, थोड़ा स्लो ही रखिएगा ताकि पराठा जले नहीं। कि देखें कितनी प्यारी शक्ल आ रही है, गोल्डन गोल्डन की, देखें कलर आ रहा है ग्रीन येलो वाइट, क्योंकि इसमें हरा धनिया भी डला हुआ है, हरी मिर्ची डली है और प्याज भी। ये देखें कितना यमी सा आपको पराठा नज़र आ रहा है, गोल्डन गोल्डन सा बिल्कुल। अब ये देखें यहाँ से भी, देखें यहाँ से भी सिक चुका है और यहाँ से भी सिक चुका है। अब हम इसको, ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है और अब हम इसको अब उतार लेते हैं, ये शॉर्ट करते हैं। ये देखें तो पराठों के साथ ना एक लाजमी चटनी बनेगी जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है। सबसे पहले लेंगे हम गोल मिर्ची, लेंगे 10-15 से 18 तक की गोल मिर्ची है, और 1 से 1.5 चम्मच जो है ज़ीरा लिया हमने, और आधा हमने लहसुन लिया है, और 3 या 4 दाने सिर्फ इमली के लिए हैं जो हमने पानी में भिगो कर इसको रख लिया है। अभी हम इसको जूसर में डाल के इन सबको ग्राइंड करके एक चटनी तैयार करेंगे।
अब हम बनाने जा रहे हैं चटनी। चटनी के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इमली की प्योरी जो तैयारी करी थी ना हमने पानी डाल के, वो डाला। फिर ये गोल मिर्ची, जीरा और ये लहसुन और ये थोड़ा सा नमक, जितना आप खाते हैं उतना आपने नमक ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे चटनी। अगर हमारी हेल्दी और लजीज डिश पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।